दोस्तों, अगर आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की कैशलेस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस कड़ी में जो पहला कदम आपको लेना है वो है कैशलेस हॉस्पिटल्स की लिस्ट को जानना, यानी आपके शहर में, आपकी स्टेट में कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे कैशलेस सुविधा अवेलेबल है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से। तो वो सब हॉस्पिटल्स की लिस्ट मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप निकाल सकते हैं अपने पिन कोड वाइज, अपनी स्टेट, अपने सिटी के वाइज। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से ऐसे ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आपको इलाज नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आप वहां पे इलाज करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। और वीडियो में ये भी आपको जानने को मिलेगा कि कैशलेस लैब्स कहां कहां अवेलेबल है। अब आपको ये भी पता है कि हर इंश्योरेंस पॉलिसी के साल खत्म होने पे आपको कुछ फ्री टेस्ट मिलते हैं, वो टेस्ट किस लैब में आपको करवाने हैं कि आपको कोई भी पैसा ना देना पड़े, वो डायरेक्ट आपकी पॉलिसी में ही कवर हो जाएंगे। तो वो लैब्स भी कहां कहां अवेलेबल है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कैसे निकालें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कैशलेस फैसिलिटीज। तो भाई, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ। यहां पे आने के बाद सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, प्लान, कस्टमर रिव्यू, क्लेम, सर्विस प्रोवाइडर। यहां हमें आना है क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं आज कैशलेस हॉस्पिटल्स और उनके लैब्स और बाकी फैसिलिटीज। तो क्लिक करना है नेटवर्क हॉस्पिटल्स के ऊपर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके बाद ये हमें उस पेज पे ले जाएगा जहां पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेफ्ट साइड आप देखेंगे नेटवर्क हॉस्पिटल, वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस फैसिलिटी में क्या कैशलेस चीज आप ले सकते हैं, क्या कैशलेस फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्च क्राइटेरिया की। सर्च क्राइटेरिया में आप हॉस्पिटल के नाम से सर्च कर सकते हैं, सिटी के नाम से सर्च कर सकते हैं कि आपके शहर में कौन से हॉस्पिटल्स कैशलेस है। मान लो मैंने दिल्ली पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ दिल्ली के कैशलेस हॉस्पिटल्स अवेलेबल हो गए। और अगर मैं स्टेट के हिसाब से सर्च करना चाहूँ तो मैं स्टेट के हिसाब से भी कर सकता हूँ, अपनी स्टेट में सर्च कर सकते हैं। मान लो मैं गुजरात में सर्च करना चाहूँ कि कैशलेस हॉस्पिटल्स कितने हैं, तो ये देखिए 874 हॉस्पिटल जो हैं वो कैशलेस हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट हैं। तो आप इस लिस्ट में से ही ट्राई करें कि आपको ट्रीटमेंट आप लें जो भी प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि कैशलेस टाइप होगा, आपको एडवांस कैश नहीं देना होगा, और जो भी ट्रीटमेंट होगी, जो भी बिल्स की सेटलमेंट होगी वो डायरेक्टली कंपनी द्वारा कर दी जाएगी। आपको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट पे करना होगा, यानी जो क्लेम में पास नहीं हुआ वही अमाउंट आपको पे करना होगा, जो कि छोटा सा अमाउंट हो सकता है। तो पहले कैशलेस हॉस्पिटल्स की लिस्ट जरूर देखें, तो ये आपको नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट में मिल जाएगी। सर्च कैसे कर सकते हैं, हॉस्पिटल के द्वारा, सिटी के द्वारा और स्टेट के द्वारा। अब दूसरा नंबर आता है दोस्तों वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर। अब कैशलेस हॉस्पिटल्स तो हो गए लेकिन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर क्या है? अब देखिए गुजरात में 800 से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं लेकिन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ 75 हैं। ऐसा क्यों? वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे कैशलेस टाइप तो है, इनके साथ कैशलेस टाइप तो है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कवरेज और एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिलेगी क्योंकि ये वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर हैं। यहाँ आपको किसी ट्रीटमेंट के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, पॉलिसी में एक्स्ट्रा कवरेज मिल सकती है, कोई रिवार्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका हॉस्पिटल वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स में हो तो आपको कैशलेस फैसिलिटी के साथ साथ बाकी और एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल नेटवर्क हॉस्पिटल्स में यानी कैशलेस हॉस्पिटल्स में भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स। ये भी कैशलेस टाइप वाले ही हॉस्पिटल्स हैं, एग्रीड इनके साथ इनका नेटवर्क हॉस्पिटलाइजेशन का जो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए एग्रीड हॉस्पिटल की लिस्ट में है। यहां से भी आप अपनी कैशलेस ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉलम आता है दोस्तों आयुष हॉस्पिटल का। आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। अब इनसे रिलेटेड भी ट्रीटमेंट आपकी पॉलिसी में अब स्टार हेल्थ देने लगा है। तो ये टोटल कितने हैं? टोटल अराउंड ये 7-8 हैं जो ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल हैं। यहाँ से आप किसी भी आयुष हॉस्पिटल में जाके अपनी कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये जरूर चेक कर लें कि आपकी पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट कवर है या नहीं, और साथ में उसकी कैपिंग यानी कि सब लिमिट कितनी है, कितने रुपए तक का आप इलाज ले सकते हैं। उसके बाद जो ये सेंटर्स दिए हुए हैं आयुष हॉस्पिटल्स, यहाँ पे जाके आप कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्क प्रोवाइडर्स फॉर रिहैबिलिटेशन एंड होस्पाइस केयर। अब क्या है इसमें? रिहैब का मतलब होता है किसी भी मेजर ट्रीटमेंट के बाद, मान लो कोई भी कैंसर हुआ है या कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट क्रिटिकल इलनेस की होती है, कोई स्ट्रोक आया है, उसके बाद पेशेंट को रिकवर करना पड़ता है, और उस रिकवरी के लिए जो रिहैब सेंटर्स होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल हैं, वो ये हैं। ये तकरीबन बड़े बड़े सिटीज में है, मेट्रो सिटीज में अवेलेबल हैं, ऑल ओवर इंडिया में 7-8 ये सेंटर हैं। आप इनमें से चूज करके किसी में भी रिहैब की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी में रिहैब की फैसिलिटी अवेलेबल है तो इन सेंटर्स में जाके आप कैशलेस सुविधा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिस केयर। हॉस्पिस केयर क्या है कि कई बार क्या होता है पूरी ट्रीटमेंट होने के बाद अब डॉक्टर जवाब दे देता है कि सर अब कोई फायदा नहीं है, हम इसमें कुछ और ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, अब इनका आखिरी समय आ गया, अब अपने साथ आप इनको ले जा सकते हैं, जितना हो सके इनकी केयर कीजिए। तो ऐसी फैसिलिटी अब मेट्रो सिटीज़ में हॉस्पिटल्स भी देते हैं जब आखिरी समय में पेशेंट को रखा जाता है, जहाँ पे उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ ठीक रहे, इसलिए इन सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया रख सकते हैं, ये मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल हैं।
जबकि हमारे छोटे शहरों में जहाँ से हम आते हैं टायर 2-3 सिटीज़ में, वहाँ तो हम कोशिश करते हैं कि जब कोई ऐसा समय आता है तो हम परिवार के उस सदस्य के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, हम खुद उनको समय दें और उनकी केयर करें, ताकि जो आखिरी पल हैं कुछ ज़िंदगी के वो सुनहरी यादें हम अपने साथ रख सकें। लेकिन मेट्रो सिटीज़ में ये अब हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि वहाँ पर भी पेशेंट्स को रख सकते हैं ताकि उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ सही रहे। नेक्स्ट आता है नेटवर्क प्रोवाइडर्स फॉर पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। अब किसी भी मेजर ट्रीटमेंट के बाद कोई पेन की मैनेजमेंट करनी है, चाहे वो फिजियोथेरेपी से हो, चाहे कोई ट्रीटमेंट हो, चाहे कोई थेरेपी हो, चाहे कोई मेडिसिन से हो, किसी और प्रोसीजर से हो, पेन मैनेजमेंट की फैसिलिटी अगर आपकी पॉलिसी में अवेलेबल है और आप अगर इन सेंटर्स पे जाके वो ट्रीटमेंट लेते हैं पेन मैनेजमेंट की, तो वो कैशलेस आपको मिलेगा। कोई भी एडवांस कैश आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको एक काम करना है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है अपनी पेन मैनेजमेंट फैसिलिटी की, वो अपने पॉलिसी वर्डिंग्स में या अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट से जरूर कंफर्म कर लें, ताकि आपको टोटल आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या क्या कवरेज आपको मिलेगी। नेक्स्ट बारी आती है दोस्तों नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर होम केयर ट्रीटमेंट। अब कोई भी ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब हमारी ट्रीटमेंट खत्म हो चुकी है, सिर्फ इनका घर पे ख्याल रखना है, और पेशेंट इस हालत में नहीं होता है कि वो खुद उठ पाए या चल पाए या खाना खा पाए, उसको कॉन्शियसनेस नहीं होती है, उनको होश नहीं होता है, तो उसलिए होम केयर ट्रीटमेंट भी दी जाती है। यानी घर पे ही उनका एक हॉस्पिटल का सेटअप लगाया जाता है जहां पे नर्सिंग और केयरिंग सर्विसेज दी जाती हैं। तो जो कैशलेस सर्विस इस तरह की जो प्रोवाइड की जाती हैं, वो ये एजेंसीज हैं, 7-8 ये एजेंसी हैं ऑल ओवर इंडिया में, यहां से आप कॉन्टैक्ट करके कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट अगर आपकी पॉलिसी में अप्रूव्ड होती है और आपकी ट्रीटमेंट को इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करती है, क्लेम को अप्रूव करती है, तो आप इन एजेंसीज पे कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया की ये एजेंसीज हैं, ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, यहां पे आप कॉन्टैक्ट करके अरेंज करवा सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब तक तो हमने जो बात की है कि किस किस हॉस्पिटल में हमें इलाज करवाना है, किस किस जगह पे हमें कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आपको इलाज नहीं करवाना है। जी हाँ, ये डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने अनरिकॉग्नाइज कर दिए हैं, यानी इनको मान्यता इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। हो सकता है इनका प्रोसीजर ठीक ना हो, या उनकी रिपोर्टिंग, या जो भी इनमें कुछ फॉल्ट होगा इनके प्रोसीजर में, क्लेम प्रोसीजर में जो नोटिस किया गया होगा, इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने काफी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो ब्लैकलिस्टेड कर दिए गए हैं। तो यहां पे अगर आप इलाज करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। जैसे गुजरात में सर्च कर रहे हैं तो 87 हॉस्पिटल्स हैं जो ब्लैकलिस्टेड हैं। अब मैं यहां पे सर्च करूं अगर दिल्ली में कितने हॉस्पिटल्स हैं, मैं देखना चाहूं, आप अपने स्टेट में देख सकते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो ब्लैकलिस्टेड हैं। 136 हॉस्पिटल्स देखिए ब्लैकलिस्टेड हैं दिल्ली में। तो आप यहां पे इलाज ना करवाएं, अपने स्टेट में ये जरूर चेक कर लें कि जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कहीं वो ब्लैकलिस्टेड की लिस्ट में, एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स की लिस्ट में तो नहीं है, तो ये आप जरूर चेक कर लें। नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइड स्कैन सेंटर्स फॉर वुमेन केयर। अब वुमेन केयर की भी फैसिलिटीज आपकी पॉलिसीज में अवेलेबल है, ये आप अपने स्टेट में चेक कर सकते हैं। हालांकि बहुत लिमिटेड ही इनका स्कोप यहां पे अवेलेबल है जो कैशलेस फैसिलिटी है वुमेन केयर से रिलेटेड। इसमें आपका असिस्टेड रिप्रोडक्शन या कोई भी वुमेन केयर से रिलेटेड ट्रीटमेंट दी जा सकती है, तो वो आप यहां से चेक कर लें कि कौन सी फैसिलिटी कहां अवेलेबल है आपकी स्टेट और सिटी में। नेक्स्ट बात आती है नेटवर्क लैब्स फॉर प्री मेडिकल टेस्ट। यानी जब आप कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं उससे पहले इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपको मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे, तो इन लैब्स में अगर आप जाके करवाते हैं, इन हॉस्पिटल्स में जाके करवाते हैं, तो वो कैशलेस है, यानी वो डायरेक्टली बिना पैसे दिए आपका मेडिकल हो जाएगा। हालांकि आपको ये मेडिकल टेस्ट इंश्योरेंस कंपनी से अरेंज करवाना होगा, लेकिन ये वो पैनल हॉस्पिटल्स और लैब्स है जहां पर ये कैशलेस हो जाएगा, आपको कैश नहीं देना है। तो अगर पॉलिसी खरीदने से पहले इंश्योरेंस कंपनी कहे कि आप अपना मेडिकल सबमिट करवाइए, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाइए, तो इन हॉस्पिटल्स में जाके आप अपनी स्टेट में सर्च कर सकते हैं, अपने शहर में सर्च कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ सर्च करता हूँ जयपुर में, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपके शहर में कौन से ऐसे प्री मेडिकल टेस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके आप ये इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको एडवांस कैश नहीं देना होगा, आप इजीली पॉलिसी खरीद पाएंगे। अगली बारी आती है दोस्तों प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये वो टेस्ट हैं जो पूरे साल पॉलिसी खरीदने के दौरान आपको दिए जाते हैं। मान लो आप पॉलिसी खरीदते हैं और इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि पूरा क्लेम फ्री ईयर होने के बाद आप 5,000 रुपए के, 2,500 रुपए के, 3,000 रुपए के, आपके सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग आप इतने टेस्ट फ्री में करवा सकते हैं। तो वो टेस्ट कहां पे होंगे जहां पे आपको पैसा नहीं देना होगा, उसके तीन ऑप्शन आपको यहां पे अवेलेबल मिलेंगे। सबसे पहले है प्रिवेंटिव हेल्थ चेक सर्विसेज वॉक इन, यानी आपको खुद इन सेंटर्स पे जाना होगा और उसके बाद आप यहां पे वो टेस्ट करवा सकते हैं। वहां जाके खुद जाके अपना टेस्ट करवाएंगे तो आपको कोई भी चार्जेस वहां पे नहीं करने होंगे। इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी लिस्ट है। अब यहां पे आप सिटी के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। मान लो मैं दिल्ली में सर्च करता हूं, तो दिल्ली में देखिए ये सारे 10 हॉस्पिटल्स और लैब्स हैं जहां पे जाके आप चेक करवा सकते हैं और आपको इन टेस्ट के कोई भी पैसे नहीं देने हैं। आप ऐसे ही स्टेट में भी चेक कर सकते हैं और पिन कोड में भी चेक कर सकते हैं। वापस बैक चलेंगे, अब यहां पे आ जाते हैं हम फाइनल पॉइंट था हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेक सर्विसेज पे।
यहां पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद वही तीन ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेक सर्विसेज डोर स्टेप, यानी कोई आपके दरवाजे पे आए और आपकी रिपोर्ट्स लेके जाए और फिर उन्हें सबमिट कर दे, आपको दे दे, तो वो डोर स्टेप सर्विसेज में आएंगे। यहां पे आप सर्च कर सकते हैं, यहां पे आपको पिन कोड डालना होगा। मान लो मैं पिन कोड डालता हूं दिल्ली का, अब मैं सर्च करता हूं यहां पे, तो यहां पे देखिए थायरोकेयर है, I2H, ये सारी लैब्स हैं जो होम कलेक्शन सर्विसेज देती हैं, आपके सैंपल्स घर से ही कलेक्ट करके लेके जाएंगे। ये आप अपने सिटी के पिन कोड के हिसाब से सर्च कर सकते हैं और वहां पे आपको सारे इनके पैकेजेस आप यहां से देख सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे, वो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेक सर्विसेज, यानी जब भी आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो पूरा साल क्लेम फ्री निकालने के बाद आपको कुछ रुपए के टेस्ट फ्री मिलते हैं, वो आपकी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग मेंशन हो सकता है। मान लो हो सकता है 2,500 रुपए के, 3,000 रुपए के या 5,000 रुपए के टेस्ट आपको फ्री मिलते हैं, तो वो इन तीन तरीकों से आप टेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा उतने रुपए की लिमिट तक। पहला तरीका है प्रिवेंटिव हेल्थ चेक सर्विसेज वॉक इन, यानी आप खुद किसी लैब में जाके, वहां पे लैब या हॉस्पिटल में जाके वहां पे ये टेस्ट करवा सकते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, ये आपके सिटी में जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आपको खुद जाना होगा और करवाना होगा टेस्ट आपका, तो वो ये हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ये कैशलेस आपकी लिमिट तक हो जाएगा। इसके बाद आप स्टेट में भी सर्च कर सकते हैं, अपने पिन कोड से भी सर्च कर सकते हैं, ये सारे लिस्ट आपको यहां पे मिल जाएगी। अब दोबारा वापस जाते हैं, वापस हम सर्च करते हैं इसका प्रिवेंटिव हेल्थ चेक सर्विसेज, और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वो है डोर स्टेप का, यानी अगर आप चाहते हैं कोई आपके घर से ही सैंपल कलेक्ट करके लेके जाए तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको पिन कोड के अकॉर्डिंग ये फैसिलिटी मिल जाएगी। मान लो मैं एक पिन कोड डालता हूँ जो दिल्ली का है, अब ये मैंने पिन कोड डाल दिया है, यहाँ पे दिखा देगा कौन कौन सी लैब्स हैं जो ये फैसिलिटी देती हैं घर से सर्विसेज, घर से सैंपल्स लेने के, यानी ये कौन कौन सी लैब्स हैं जो आपको घर से लैब पिकअप करने की सर्विसेज देती हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और इन पे कॉल कर सकते हैं इन लैब्स पे, यहाँ पे आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अब दोस्तों आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, जो इसमें वॉक इन हो गया है और घर से कलेक्शन सर्विस पर रिइंबर्समेंट का, यानी आप खुद पैसे देके टेस्ट करवा लें और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा वापस कर देगी। यहाँ पे दो लैब्स ऐसी अवेलेबल हैं, डॉक्टर लालपैथ लैब और थायरोकेयर, इन दोनों ही लैब्स में अगर आप टेस्ट करवाते हैं उस लिमिट तक का जो आपकी पॉलिसी में मेंशन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंडर, तो आपका वो पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको जस्ट जो इनवॉइस है, जो बिल है, वो सबमिट करवाना होगा अपनी इंश्योरेंस कंपनी में। अब ये जो कहाँ पे अवेलेबल है, ये भी आप अपनी स्टेट में सर्च कर सकते हैं, ये वाली लैब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, ये देखिए ये सारी यहाँ पे दिखा दी गई है कि कहाँ कहाँ पे इस थायरोकेयर की लैब अवेलेबल है। अगर आपको डॉक्टर लालपैथ लैब की देखनी है तो वो भी आपको ये स्टेट वाइज या सिटी वाइज दिखा देगा। तो इन लैब्स पे जाके आप अपनी पेमेंट करके टेस्ट करवा सकते हैं और बाद में अपना पैसा रिफंड पा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अब मुझे लगता है कि आप ये जान गए हैं कैशलेस हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स की लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं, आयुष की ट्रीटमेंट आपको कहाँ मिलेगी, पेन मैनेजमेंट रीहैब आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं, और उसके साथ साथ कैशलेस लैब्स की फैसिलिटी भी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हरविंदर सिंह आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस हमेशा लाता रहूँ। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।